चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं NSP ब्लॉग। तो आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो गाडावारा टू जबलपुर, और जबलपुर में जाऊंगा मैं पनागर। अच्छा, पनागर में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, तो वहाँ वो आपको दिखाऊंगा। और बाकी हमारी जो ट्रेन है वो है मुंबई हावड़ा CMCT मेल, तो अभी कुछ ही समय बाद आने वाली है, तो चलते हैं। A few moments later. So finally आज हमारी ट्रेन आ चुकी है मुंबई हमारा CMCT मेल, तो बाकी चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, और ये ट्रेन है मुंबई हावड़ा CMCT मेल, जो कि टाइम हो रहा है अभी 11:25, और यह हमको पहुँचा देगी लगभग 1:30 पर। A few moments later. तो गाइस हम आ चुके हैं श्रीराम रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का अराइवल है, बाकी इसके बाद सीधा जबलपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो अब आपको मिलते हैं सीधा जबलपुर में। आज बड़े गर्मा गर्म बड़ा बोलती का बोल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। श्रीधाम के आलू अंडे काफी फेमस है, तो मैं नहीं मानता। तो आप कभी भी श्रीधाम आते हैं तो यहाँ पे आलू बंडे जरूर लें। तो आज हमारी ट्रेन सही टाइम पे यहाँ से डिपार्चर कर चुकी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। A few moments later. फाइनली गाइस टाइम हो रहा है 1:30, और हमारी ट्रेन सही समय पर पहुंच चुकी है जबलपुर। तो अभी गाइस चलते हैं एस्केलेटर से। तो ये मैं इस टाइम आ चुका हूँ जबलपुर रेलवे स्टेशन पर, तो अभी चलते हैं पनागर के लिए, देखते हैं बाहर क्या मिलता है, ऑटो या बस, तो उससे पहुँचते हैं पनागर। बाकी कुछ ऐसा क्राउड है इधर जबलपुर रेलवे स्टेशन का। तो भैया मैं आपको आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन से बाहर, और यहाँ पे मुझे ऑटो और बस मिल रही हैं, तो इससे जा रहा हूँ मैं पनागर के लिए। वो आपकी रेलवे स्टेशन को बोलते हैं बाय बाय, और निकलते हैं पनागर के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ मेट्रो बस से, तो इस बस में किराया काफ़ी कॉस्टली रहता है, और इस बस से अगर आप जाते हैं तो काफ़ी कम किराए में भी आप जबलपुर घूम सकते हैं। बाकी चलते हैं। तो भैया ये है पनागर की प्यारी प्यारी सड़कें, और हम आपको बैठे हैं मेट्रो बस में, निकल चुके हैं पनागर के लिए। तो आज हम कटनी हाईवे से होते हुए पनागर तक पहुंचेंगे। बाकी ये है कटनी हाईवे। तो दोस्तों ये है कटनी जबलपुर हाईवे, इसी हाईवे के थ्रू हम इधर आए हैं। बाकी यहाँ से हम एंट्री होती है पनागर की। तो भैया फाइनली हम आ चुके हैं पनागर, और बाईपास तक मैं आया था मेट्रो बस से, और बाकी वहाँ से 1.5 किलोमीटर है बाईपास से ये पंडाल, तो वहाँ से मैं ऑटो से आया था 10 रुपये दे के। और बाकी यहाँ पर ये पार्किंग बनी हुई है, तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है। तो फाइनली आज हमने चंदन तिलक लगवा चुके हैं, और अब चलते हैं सीधा पंडाल के पास। बाकी गाइज पीछे थी पार्किंग, तो अभी इस रास्ते से चलते हुए पंडाल के पास जा रहा हूँ मैं। सो फाइनली आज हम आ चुके हैं पनागर, और यहाँ पर चल रही है श्री बागेश्वर धाम सरकार जी की श्रीमद् भागवत कथा, और यहाँ पर बना हुआ पंडाल। बाकी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप सभी के लिए तैनात हैं।
तो ये यहाँ का आप क्राउड देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। फाइनली आज यहाँ पंडाल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। तो अभी गुरुदेव आए नहीं हैं, तो कुछ ही टाइम बाद गुरुदेव आने वाले हैं, तब जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ भोजन पंडाल। यहाँ के कुछ लोगों से मैंने पूछा था, तो वो बता रहे थे कि भोजन पंडाल इस साइड बना हुआ है। तो फाइनली आज ये रास्ता भाई है भोजनशाला के लिए, चलते हैं भोजनशाला के लिए, भोजन पंडाल आपको दिखाते हैं। A few moments later. भैया मैं हूँ अभी इस टाइम भोजनशाला के पास। तो ये है कथा मंडल के थोड़े ही आगे 100 मीटर की डिस्टेंस पे। बाकी यहाँ पे लाखों भक्तगण प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। इधर की अच्छी व्यवस्था चल रही है, प्रसादी भी अच्छी बनती है, खिचड़ी ऐसी बनती है कि प्रसाद ही जो आए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। तो भैया मैं हूँ अभी इस टाइम भोजन पंडाल में, और यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ पे कम से कम लाखों करोड़ों आदमी आ रहा है डेली का भंडार करने के लिए, बहुत आदमी आ रहा है। साधू जी सीताराम बागेश्वर धाम सरकार की जय। सो गाइस यहाँ पे बाकी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, और दिन भर में लाखों लोग यहाँ पे प्रसादी ग्रहण करके जाते हैं। काफी दूर दूर से यहाँ पे प्रसादी ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं। पे काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, मैंने भी प्रसादी ग्रहण की है। और बाकी यहाँ पे आज नवमी है तो भीड़ कम है, और यहाँ पे लगभग डेली 5 से 6 लाख लोग प्रसादी ग्रहण करके जाते हैं, और काफी दूर दूर से यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं। तो ये टाइम हो रहा है 6:10, तो बाकी यहाँ पे मौसम भी बदल चुका है, और उसी समय ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। तो बाकी चलते हैं अभी इधर। बोलो बागेश्वर महाराज की जय। बागेश्वर महाराज की जय। भगवान की नर्मदाम की ने अपने मताई बाप की बागेश्वर धाम की भगवान।
मेरे भागराज भूल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम मंत्रा नहीं सुधर पाई लेकिन रावण के राज्य में भी भीषण बिगड़ पाए। यही प्रभु का प्रताप है कि भगवान कहते हैं कि तुम जहां हो वहां ही हमारे रहो। हम लोग करते क्या है, हम लोग तन से तो मानते हैं परमात्मा को, मन से लगते हैं पूरा संसार होना चाहिए उल्टा। तन से मानो संसार को, मन से मानो परमात्मा को, पर आपको जीते जी ही अयोध्या के दर्शन और रघुनाथ के दर्शन करते हैं।